केरन हादसे में लापता लोगों को ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च अभियान छठे दिन भी जारी रहा। पोकलेन व सर्च अभियान में जुटी टीम की मदद से एक और शव बरामद हुआ है। ये शव 46 वर्षीय खुड़ी देवी का है। अब बचे एक व्यक्ति के शव को भी जल्द ढूंढ लिया जाएगा। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि लापता हुए 10 लोगों में से 9 के शव बरामद किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 100 से अधिक जवान दिन रात लापता लोगों को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। इन जवानों के अथक प्रयासों से भारी चट्टानों के बीच फंसे लापता लोगों को ढूंढा जा सका है। सर्च अभियान में स्निफर डॉग की मदद से लापता लोगों को ढूंढने में काफी मदद मिली है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि खोज अभियान में मैनुअल टूल के साथ ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, कटिंग करके भी लापता लोगों की तलाश की गई, तब जाकर आज एक महिला का शव बरामद किया गया है। 10 व्यक्ति थे जिनको खोजा जा रहा था, उसमें से 8 व्यक्तियों के डिसीज्ड व्यक्तियों के शव बरामद पिछले दिनों में हमने किए थे। अभी कुछ हमारे पिछले 2 दिन की एक्सरसाइज में हमने कैनाइन यूनिट स्निफर डॉग्स का प्रयोग किया था और वहाँ पे हमें नाले में उन जो कैनाइन यूनिट है उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे हो सकता है, तो 2 दिन से ये मशक्कत चल रही थी। हमने नाले के जो चट्टान जितने बड़े बोल्डर्स थे उनको उन्हें ब्लास्टिंग की और साथ में पोकलेन को जो 6 किलोमीटर का लैंडस्लाइड वाला सारा रास्ता रहा हुआ था एक पोकलेन को वहाँ पे पहुँचाया। पोकलेन और फोर्स की मदद से वहाँ पे बोल्डर्स हटाए गए और एक महिला का शव बरामद हुआ है जो 52 वर्ष की है और वहीं तेरंग गाँव की निवासी है और उससे पहले भी एक शव वहाँ से उस इलाके से बरामद हुआ था। अब वर्तमान में एक आदमी है जिनकी खोज जारी है, वे वहीं एक घर में निवास करते थे और अभी भी अभियान जारी है, चला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि उस जो आदमी मिसिंग है उनकी को भी हम जल्दी तलाश कर पाए। वहीं उपायुक्त ने बताया कि सड़क में आने वाले 2 पुलों को दुरुस्त कर दिया गया है और पोकलेन की मदद से शव को ढूंढा गया है। अन्य वाहनों के लिए सड़क को कुछ दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।